अब आपका सवाल होगा कि क्रूजिंग स्पीड हमें बता दो, आप निकाल सकते हैं तो ये ऑल वापस से BS4 में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपको और स्पीड बढ़ानी है तो ये मैंने फिफ्थ डाला, तो MT15 एक बेस्ट मोटरसाइकिल में कंसिडर कर सकता हूँ। और MT15 आपको खरीदना चाहिए या नहीं, अगर आप ओकेजनल टूर्स करते हैं, ज्यादा सिटी में चलाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत ड्यूरेबल गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, जरा में वॉबलिंग इश्यूज आने लगते हैं। पिलियन को आप गलती से भी ना बिठाएं तो आपको MT15 में ना एक ही चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और वो रहेगा। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूं यामाहा MT15 वर्जन 2.0 का। और ये नॉर्मल रिव्यू नहीं है, डिटेल रिव्यू नहीं है, ये एक टूरिंग रिव्यू है, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं टूर नहीं कर रहा हूं। आपको याद है कि यही रोड्स पर मैं रिव्यू करता हूं, तो अभी मैं टूर नहीं कर रहा हूं, बट हां मैंने इस पर टूर करा है। और 10 दिन में मैंने गाड़ी को चला दिया था 4500 किलोमीटर्स। जी हां, 10 दिन में 4500 किलोमीटर्स, भोपाल टू गोवा एंड बैक टू भोपाल का ट्रिप मारा था। बाकी गोवा की सिटी में भी चलाया, भोपाल की सिटी में भी चलाया। तो जाना था 1400 किलोमीटर्स और आना था 1400 किलोमीटर्स, तो 2800 किलोमीटर्स तो मैंने इस पर टूर करा है। बाकी जितना भी मैंने चलाया है इसको सिटी में चलाया है। तो बहुत से लोग ने मुझसे कमेंट सेक्शन में यही सवाल कर रहे थे कि क्या MT15 टूरिंग के लिए सही गाड़ी है या नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी है, बहुत कॉम्पैक्ट है और स्ट्रीट राइडिंग के लिए डिजाइंड है। और ये वही इंजन है जो कि R15 में हमें देखने को मिलता है। तो R15 वाला इंजन जो है वो पावरफुल है, तो पावरफुल इंजन से लोगों का जो नजरिया जाता है वो यही जाता है कि हम पावरफुल इंजन है 150cc का, तो हम इससे जो है बाहर भी जा सकते हैं, टूर भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तो करा है, तो करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है करने से पहले टूर, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और क्या MT15 आपके लिए एक परफेक्ट टूरिंग मोटरसाइकिल बन सकती है नहीं, ये मैं आपको बता दूंगा। और MT15 आपको खरीदना चाहिए या नहीं, अगर आप ओकेजनल टूर्स करते हैं, ज़्यादा सिटी में चलाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ मैं आपको गाड़ी के बारे में ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अपने रिव्यू से। और सबसे पहली चीज़ टूरिंग के नाम से जब भी हमारे दिमाग में आती है वो होता है कम्फर्ट। टूरिंग के लिए ना हमें एक बार परफॉर्मेंस कम पड़ जाएगा, लेकिन कंफर्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी जो सीट है वो छोटी सीट है, लेकिन राइडर के लिए जो सीटिंग रूम है वो काफ़ी अच्छा है। अभी इस वक्त मैं पीछे भी हो सकता हूँ, आगे भी हो सकता हूँ, तो इतना मेरे पास सीटिंग रूम है कि आगे पीछे मैं हो सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पिलियन के साथ राइड कर लें तो वो आपको इसमें नहीं मिल पाएगा। तो कम्फर्ट में आती है सीट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सीट की कुशनिंग कैसी है आपका सवाल होगा, सीट की कुशनिंग अच्छी है, डिसेंट है, लेकिन अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं तो सीट का जो कुशन है वो बहुत ज़्यादा दब जाता है। दबने की वजह से वो प्लास्टिक पर आ जाता है, बॉटम आउट हो जाता है पूरा कुशन, तो वहां पर वो प्लास्टिक की तरफ आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा आगे खिसकना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद वो स्पंज वापस फूलेगा, तब जो है आप अपनी सीटिंग की जगह चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये चेंज कर कैसे ऐसे करना पड़ेगा, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप जेल पैड खरीद सकते हैं या सीट में एक्स्ट्रा कुशनिंग करवा सकते हैं। दूसरी चीज आती है हमारे पास राइडिंग पॉस्चर कंफर्ट पे। ये वीडियो बहुत सिस्टमैटिक चल रही है, उम्मीद है आगे भी सिस्टमैटिक चलती रहे। तो राइडिंग पॉस्चर की बात करें तो राइडिंग पॉस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं होना है कि आप राइड करके आए और कहीं से राइड करके आपको बहुत ज़्यादा फटीग हो जाए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है राइडिंग पॉस्चर। ना ही आप चाहेंगे कि आपको कोई इंजरी हो जाए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, तो आप ये सब चीज़ें नहीं चाहेंगे। और राइडिंग पॉस्चर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो MT15 एक बेस्ट मोटरसाइकिल में कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इस पर जो लॉन्ग राइड करी है 1400 किलोमीटर्स जाना और 1400 आना, ये 1400 मैंने कंटिन्यूस गाड़ी को चलाया है, पूरी रात चलाया है, पूरा दिन चलाया है, और अप्रॉक्स 22-23 आवर्स के बीच में मैं गोवा तक पहुँच गया था। तो अगर मुझसे बेहतर कोई बता पाए तो वो मुझे बता दीजिएगा कि आपने मुझसे ज़्यादा गाड़ी चलाई है नॉन स्टॉप में MT15, मैं आपकी बात को कंसिडर कर लूँगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरे सामने तो मैं ही हूँ अपनी नॉलेज में कि मैंने इसको 1400 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप चलाया है, बिना रोके, सिर्फ वॉशरूम्स के स्टॉप लिए हैं और फूड के स्टॉप्स लिए हैं। और बहुत ईजिली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट वेट मोटरसाइकिल है। लाइट वेट होने की वजह से क्या, अगर आपको लेन चेंज करनी है इस पर, मान लीजिए एग्जाम्पल मुझे इधर आना है, तो मैं इसको ईजिली ज़रा में आ जाएगी गाड़ी, बिल्कुल मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। तो हम थे राइडिंग पॉस्चर पर, और राइडिंग पॉस्चर इसका बेस्ट इन द सेगमेंट है। अगर आप कहीं पर भी बैठकर जाते हैं तो आपको कमर में दर्द नहीं होगा। जब मैंने इसको नॉन स्टॉप चलाया तो मुझे डाउट यही था कि मैं तो इसको नॉन स्टॉप चला रहा हूँ गाड़ी को, हालांकि मैं इतना फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं हूँ, सिर्फ जिम करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करता हूँ, और जिम में भी कार्डियो जो है वो बहुत कम करता हूँ। तो आपको उसी सेम पर्टिकुलर टाइम पर पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कहाँ दर्द हो रहा है, आप राइड उसी टाइम छोड़ के नहीं खड़े हो सकते हैं। जब आप आएंगे उसके बाद आराम करेंगे, तब जो है आपके बॉडी के जो पुर्जे हिलना शुरू होंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है। हालांकि मेरे हाथ में, ये वाले हाथ में बहुत तकलीफ हो गई थी, क्योंकि एक्सेलेरेटर में बराबर पकड़ा हुआ था। क्रूज कंट्रोल होता तो ये तकलीफ नहीं होती, लेफ्ट हैंड पे इतनी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड छोड़ देता था, तो राइट हैंड पे तकलीफ होना जायज़ है क्योंकि मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ। लेकिन राइडिंग पॉस्चर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बैठक कैसी है गाड़ी की, तो बैठक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ अब हम आ जाते हैं, वो है पिलियन कंफर्ट। पिलियन कंफर्ट ना के बराबर है। पिलियन को आप गलती से भी ना बिठाएं, अगर आप पिलियन को 100 किलोमीटर्स के अंदर के दायरे में भी बिठा लेते हैं, 80-70 किलोमीटर्स आपको जाना है, तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर वो पिलियन हेल्दी पिलियन है तो। और उसके साथ आप बैग भी रखेंगे अपना, तो इन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैं आपको बिल्कुल
अच्छे से एडवाइस कर रहा हूँ ये चीज़ कि आप पिलियन को अपने साथ लेकर ना चलें। ये मोटरसाइकिल पिलियन के साथ राइड करने वाली मोटरसाइकिल नहीं है। अब आपका सवाल होगा परफॉर्मेंस का, क्योंकि टूरिंग में आपको चाहिए परफॉर्मेंस, हाईवे पर आपको चाहिए परफॉर्मेंस। आप अगर 6 लेन रोड पर जा रहे हैं तो आप वहाँ पर गाड़ी 60, 65, 70 की स्पीड पर नहीं चला सकते, कम से कम आपको 100 की स्पीड पर चलाना है। और अगर आप 60, 65, 70 की स्पीड पर भी चलाएंगे और सोलो राइडर हैं तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे गाड़ी को चलाते चलाते। तो मैंने तो इसको लगातार 110, 100 के ऊपर ही चलाया है और शायद अभी भी वो एवरेज स्पीड शो कर रहा होगा मुझे ज़्यादा की। एवरेज 72 किलोमीटर पर आर, जब मैं वहाँ से आया था तब मुझे 90 किलोमीटर पर आर की एवरेज स्पीड शो कर रहा था, तो अभी तो फिलहाल मैंने सिटी में चलाई है तो 72 हो गई है वो। तो आप सोच सकते हैं कि एवरेज स्पीड अगर मैं 90 के आसपास की लेकर चल रहा था तो एवरेज मतलब मेरी नॉर्मल स्पीड वहाँ पर होगी 120 के आसपास की, क्योंकि बीच में जो स्टॉप्स लेते हैं हर चीज़ करते हैं उसका एवरेज निकाल के ही हमें बताता है। तो मैंने तो गाड़ी को 100 के ऊपर ही चलाया है लगातार, और बस ये पेट्रोल पंप्स के स्टॉप, वॉशरूम के स्टॉप, ये सब स्टॉप्स लिए हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस की मुझसे बात करें तो 6 गियर पर हैं। चलिए अब हम इसका परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं। और ये मैंने फुल एक्सेलरेट कर दिया है मोटरसाइकिल को, 7000 RPM से क्लाइंब करना शुरू कर रही है। VVA टेक्नोलॉजी ऑन होने वाली है, VVA पिक्चर में आ चुका है। 100 क्रॉस कर चुकी है गाड़ी 8000 RPM के बाद। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो है विंड ब्लास्ट, क्योंकि ये एक नेकेड मोटरसाइकिल है, और अगर आपको और स्पीड बढ़ानी है तो ये मैंने 5th डाला। 5th के बाद जो है वो काफी स्पीड बढ़ जाएगी इसमें। तो ये जिस तरीके का ख़राब रोड है आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बम्पी रोड है, बहुत छोटे छोटे रोड एंडुलेशन से, और रोड का कंस्ट्रक्शन भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो गियर चेंज है उसमें हैंडल में थोड़ी सी मुझे अनस्टेबिलिटी फील हो रही है, थोड़ा सा अनस्टेबल फील हो रही है गाड़ी, और 125 के ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। इस जगह पर तो ये 125 चली गई, मगर दूसरी जगह पर जहाँ से मैं आया हूँ, क्योंकि ये अभी सिटी वाला एरिया है, यहाँ आसपास थोड़ी दूर दूर बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा है। बट अगर आप इसको प्रॉपर हाईवे पर लेकर जाएंगे जहाँ पर 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर के खेत ही खेत हैं सर, तो वहाँ पर इसमें विंड ब्लास्ट बहुत आता है। और विंड ब्लास्ट जब बहुत ज़्यादा आता है तो एक टाइम ऐसा भी आया था मेरे साथ जब विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि मानसून का टाइम है, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो एक टाइम ऐसा भी आया जिस टाइम 95 के ऊपर गाड़ी जा नहीं पा रही थी। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स भी आपके सामने आएंगे। तो परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दिया है, 120 तक ये गाड़ी आराम से चली जाती है। अभी मैं सोलो राइडर हूँ, मेरा वेट है 72 kgs का, आराम से ये चली जाती है। अगर आपका ज़्यादा वेट है तो वो सब चीज़ अफेक्ट करेंगी, रोड का एलिवेशन अफेक्ट करेगा। रोड अगर थोड़ा सा ऊंचाई पर जा रहा है, पहाड़ पर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ अफेक्ट करेगी। विंड ब्लास्ट ज़्यादा है तो टॉप स्पीड अफेक्ट करेगी। तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको गियर से हाईवे पर ज़्यादा प्ले करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं 6 गियर से इसको उठा कर ले जाऊँ तो इसको जाने में ना क्लाइंब करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और अगर यही मैं चाहूंगा कि मैं 5th गियर से लेके जाऊं तो ये इजीली आराम से क्लाइम कर लेगी स्पीड। तो ये चीज काफी अच्छी है परफॉर्मेंस के मामले में, गाड़ी अच्छी है। अब आपका सवाल होगा कि हाईवे पर हम जा रहे हैं, हमें चाहिए अच्छी स्टेबिलिटी, क्योंकि हम चलाएंगे ऑब्वियसली 100 की स्पीड पर, तो 100 की स्पीड पर आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अभी आपने पीछे वीडियो के कुछ शॉर्ट्स में देखा होगा अगर कैप्चर हुआ है तो, कि हैंडल हल्का सा हिला है, और जब हैंडल हिला है तो थोड़ा सा मुझे जो है नर्वसनेस फील हुई है। तो ये गाड़ी ख़राब रोड्स के लिए नहीं बनी, ख़राब रोड मतलब रोड सही कंस्ट्रक्टेड नहीं है, जैसे कि ये रोड है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक हाथ से चलाऊंगा तो ये कंट्रोल के बाहर जाने लगेगी गाड़ी, और वहीं अगर मैं इसको दोनों हाथ से चलाऊंगा तो वहाँ पर इतना मुझे कोई इशू नहीं आएगा, ये दोनों हाथ से आराम से चलेगी। और अगर मैं इसको एक हाथ से चलाऊंगा तो वहाँ पर जो है आपको अनस्टेबिलिटी महसूस होने लगेगी, अगर रोड ख़राब है तो। और रोड अच्छा है तो फिर कोई इशू की बात नहीं है, ये थोड़ा सा जो है और स्टेबिलिटी बेहतर हो सकती थी इसमें। वापस हम स्पीड को धीरे कर लेते हैं और बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी और थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि ये जो व्हील बेस है इस मोटरसाइकिल का वो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी सी मोटरसाइकिल है, तो ज़रा में डिसबैलेंस होने लगती है, ज़रा में वॉबलिंग इशूज़ आने लगते हैं। तो अगर आप इसको चला रहे हैं दोनों हाथ से चलाएं, एक हाथ से ये कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगी अगर ख़राब रोड पर है। अच्छे रोड पर है तो आप दोनों हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं, गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है तो अच्छी स्टेबल चलेगी। लेकिन रोड जहाँ पर ख़राब आएगा और आप जहाँ पर ये क्लच से गियर चेंज करेंगे एकदम, तो हैंडल जो है वो हल्का सा हिलेगा, और वहाँ से आपको जो है हल्की सी नर्वसनेस फील होने लगेगी, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन जाने लगेगा। तो ये चीज़ इसमें होती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रीट राइडिंग के लिए है, इसको मैं बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंपनी ने इस चीज़ को इसलिए ऐसा बनाया है ताकि जो भी इसको राइडर चला रहा है उसको थकान ना हो। अब इसकी जो इसका फ़ायदा है वो यही है कि ये इजीली मैनूवरेबल है, लेन आप इजीली चेंज कर सकते हैं गाड़ी में, इसका ये फ़ायदा है। तो ये स्ट्रीट राइडिंग के लिए डिज़ाइंड है, फिर मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। अगली चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, और वो है कि आप सामान कितना इस पर रख सकते हैं। तो
तो लगेज अगर आपको रखना है तो बहुत छोटी सी जगह है, सिर्फ इतनी सी आपके पास जगह है, जिसमें अगर आप पीछे सैडल बैग्स लगाना चाहें तो सैडल बैग्स उसमें नहीं लग पाएंगे। टेल जो है वो काफ़ी लंबी है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ व्हीकल जो है वो बहुत शॉर्ट है, व्हील बेस शॉर्ट है गाड़ी का, तो यहाँ पर लगेज कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। और जिस हिसाब का ये डिज़ाइन है गाड़ी का आप देख सकते हैं साइड से, इस पर आप कुछ बांधने में भी आपको ना बहुत प्रॉब्लम होगी इस पर, और अगर आप ग्रैब रेल्स पर बांधेंगे तो वो भी स्लिप होने लगेगा। तो लगेज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगी है ये, लगेज आप इतना ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं, बट हाँ अगर एक बार आपकी मजबूरी है और आप गलती से लॉन्ग राइड पर आपको जाना ही है और लगेज थोड़ा सा कैरी करना है तो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको जो है अच्छे से टाई करना पड़ेगा, अच्छे से बांधना पड़ेगा। वैसे लगेज मैं लेकर नहीं गया था क्योंकि मेरे दोस्त वो ट्रेन में लेकर आ गए थे। और एक चीज़ मैंने देखी यार, मुझे ना पुरानी वाली MT15 ज़्यादा फन टू राइड लगती थी, इसमें कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है उस हिसाब का, इससे व्हीली भी इजिली पॉपअप नहीं होती, वो वाली MT15 से बहुत आसानी से व्हीली पॉपअप हो जाती थी, क्योंकि ये BS6 हो गई है, इसमें पावर कम हो गई है। और अगर आपको BS6 से BS4 कन्वर्ट करनी हो तो बताइए मुझे, वैसे मैं ये एनकरेज नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ आपको बता सकता हूँ कि आप वो जो प्री कैट आया है, जो साइलेंसर के पास एक और कैटलिटिक कन्वर्टर लगा है छोटा सा, उसको आप निकाल सकते हैं तो ये ऑल वापस से BS4 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपका सवाल होगा कि क्रूजिंग स्पीड हमें बता दो, परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया, क्रूजिंग स्पीड हमें जाननी है। चलिए अब हम क्रूज करके ही देखते हैं इसमें। RPM पे गाड़ी चल रही है 90 की स्पीड में, 7 पे आ जाएगी एग्जैक्ट तो आ जाएगी 90 पे, ये आ गई 90 की स्पीड में 7000 RPM पे। 7000 RPM स्ट्रेस फ्री है गाड़ी के लिए, स्ट्रेस मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। और 8000 RPM 1000 RPM और बढ़ा लेते हैं तो 10 की स्पीड मेरे ख्याल से और बढ़ जाएगी, 8000 RPM पे आ जाएगी 100 की स्पीड में। और 8000 जैसे ही क्रॉस करा VVA ऑन, 7000 के बाद ही VVA ऑन हो जाएगा तो जो स्पीड है वो ईजिली बढ़ने लगती है। तो 8000 RPM पे आप इस पे 100 पे क्रूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छी स्पीड है, और 8000 RPM इंजन के लिए तो ज़्यादा ही है, तो आपको इंजन में अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। इसकी जो है मैं फ़र्स्ट सर्विस करके लेके गया था, फर्स्ट सर्विस मैंने खुद से करी थी इस मोटरसाइकिल की 1000 किलोमीटर्स पे, तो फर्स्ट सर्विस करी थी तो इसमें इंजन ऑयल चेंज कर दिया था, जो कि यामल यूब का नहीं डाला था, यामल यूब का डालता तो अभी तक इंजन के हाल बहुत बुरे हो चुके होते। तो क्रूजिंग स्पीड 7000 RPM पे 90 की स्पीड आ जाएगी, 8000 RPM पे 8000, जैसे अभी रोड में एलिवेशन आ गया तो गाड़ी थोड़ा सा 8000 RPM तक क्लाइम करने में मुश्किल हो रही है। उसके बाद ये आ गई स्पीड हमारी 9000 RPM पे, ले आते हैं एक बार, पे चलेगी ये 110 पे, 111 पे, 112 पे, कुछ इतने पे ही चल रही है ये देखिए, 112 पे हम आराम से चल पा रहे हैं। और इंजन इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, और 9000 के ऊपर जाएंगे तो हल्के हल्के वाइब्रेशंस भी आने लगते हैं, हालांकि रिफाइनमेंट लेवल अच्छा है, इस टाइम पर भी कोई वाइब्रेशंस नहीं आ रहा है, मिरर में बहुत क्लियर दिख रही है हर चीज़ें, तो 8000-9000 तक वाइब्रेशन नहीं है। 9000 के ऊपर जैसे ही गाड़ी जाएगी और जहाँ पर इंजन पर स्ट्रेस पड़ना शुरू होगा वहाँ पर जो है वाइब्रेशन आने लगेगा। अब टूरिंग में एक पॉइंट इस गाड़ी के लिए और ऐड करना चाहूँगा, वो है ड्यूरेबिलिटी। बहुत ड्यूरेबल गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, कहते हैं ना मजबूत, पुराने लोगों की एक कहावत हुआ करती थी कि गाड़ी भारी है तो मजबूत है, लेकिन इसका जो वेट है वो कम है, तो वेट कम होने से लोग ये समझते हैं अरे बहुत हल्की क्वालिटी का सामान यूज़ कर रहा है। नहीं, वेट कम होने से ऐसा नहीं है, वेट कम कंपनी इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए करती है ताकि वेट रिडक्शन हो पाए, अच्छा माइलेज मिल पाए, पावर टू वेट रेशियो अच्छा अचीव हो पाए, लेकिन इस गाड़ी में वेट कम है लेकिन ड्यूरेबल बहुत है। जिस अभी जैसे हम हाईवे पर चलते हैं, अभी एक बेसिक सी बात है कि हम हाईवे पर चल रहे हैं तो वहाँ पर हमें रोड का नहीं अंदाज़ा रहता, हम कॉलोनी में चलते हैं तो हमें एक एक रोड एक एक ब्रेकर मालूम रहता है कि कहाँ पर है, हाईवे में हम चलते हैं तो हमें नहीं मालूम रहता है। और हाईवे पर क्या है, वो छोटे 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 ब्रेकर्स होते हैं बहुत सारे, और वो तो ब्रेकर्स आ ही थे, उन पर तो गाड़ी निकल जाती है, इसलिए वो कोई इशू नहीं आया मुझे, लेकिन बहुत छोटे से जो नीचे रोड अंडुलेशन आ जाते हैं ना, जो बहुत बड़े गड्ढे आ जाते हैं, उस पर से गाड़ी मैंने रात को गुजार दी थी, 2-3 बार ऐसा हो गया था। और 2-3 बार ऐसा होने के बाद बहुत तेज़ हैंडल पर मेरे इतनी तेज़ जर्क आया था कि मुझे 100% लगा था कि मैंने कुछ तोड़ दिया है गाड़ी में। और जैसे ही मैंने उतर के देखा मुझे ऐसा लगा एक टाइम पर कि यार एलॉय व्हील बेंड हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम ना मैं फ्रंट व्हील की जो है एयर प्रेशर भी थोड़ा बढ़ा के चला रहा था, और बढ़ाकर इसलिए मैं चलाता हूँ ताकि जो है ना हल्का सा अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छी टॉप स्पीड मिल जाए और थोड़ा सा बेटर माइलेज भी मिल जाए, तो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाकर चला रहा था। अगर टायर प्रेशर आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा है ना तो आपका जो जर्क है, जो रोड पर से जर्क आ रहा है, वो शॉकअप को बाद में जाएगा, एलॉय व्हील को पहले जाएगा, तो पहले एलॉय व्हील उस जर्क को झेलेगा और उसके बाद शॉकअप तक आएगा वो। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने टायर प्रेशर बढ़ाकर गलती कर दी है और यहाँ पर व्हील बेंड हो सकता था गाड़ी का, लेकिन व्हील बेंड नहीं हुआ, कहीं पर भी
व्हील में कुछ भी नहीं हुआ, ना ही टायर में कुछ हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फोर कॉइल सील्स लीक हो गई होंगी, क्योंकि बहुत प्रेशर से गाड़ी गई थी उस जो है जर्क में। तो फोर कॉइल सील चेक करी, फोर कॉइल सील में भी कुछ नहीं हुआ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। मुझे उसके बाद समझ में आ गया कि MT15 ना एक ड्यूरेबल गाड़ी है, बहुत ड्यूरेबल थी। हाईवे पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जंगल एरिया से भी मैंने गुजारा गाड़ी को, वहाँ पर भी कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े ब्रेकर्स रोड अंडुलेशन आए तो वहाँ से भी मुझे कोई इशू नहीं आया गाड़ी में। अब बहुत बात हो गई हमारी गाड़ी के बारे में, अब हम आते हैं थोड़ा सा ज़मीन पर देख के रोड पर आते हैं, इंडियन रोड्स के बारे में बात करके प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करते हैं कि भाई टूरिंग के लिए आपने तो ये वीडियो पर टूरिंग के लिए क्लिक करा है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप भी इतने समझदार हैं कि ये गाड़ी टूरिंग के लिए नहीं बनी, बट आप इसलिए क्लिक करें इस वीडियो पर ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपको टूर जाना है, ओकेजनली आपको टूर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान की रेंज में इतनी बाइक्स नहीं होती कि वो एक जो है नेकेड बाइक रखे सिटी के लिए, एक जो है स्पोर्ट्स बाइक रखे मज़े करने के लिए, और एक जो है टूरिंग बाइक रखे एडवेंचर बाइक रखे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर आपने ज़रूर इसलिए ही क्लिक करा क्योंकि मैं MT15 खरीदूंगा, और MT15 से अगर कभी मुझे टूरिंग पर जाना हुआ तो इसमें प्रॉब्लम ना है तो एक बार SR मोटोवर्ल्ड की वीडियो देख लेता हूँ। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं, और अगर कह रहा हूँ तो नीचे आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो प्रैक्टिकलिटी में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप एक प्रॉपर टूरर मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप वो इंसान है जो एक ऑलराउंडर मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं जिससे मैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी कर लूँ, थोड़ा सा टूर भी कर लूँ, थोड़ा सा सिटी में भी चला लूँ, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मोटरसाइकिल है MT15। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको 1400 किलोमीटर्स कंटिन्यूसली गाड़ी को चलाया है, बीच बीच में सिर्फ खाने के वॉशरूम का कितने मिनट का स्टॉप रहता है, 5 मिनट का मैक्स टू मैक्स 5 मिनट का, और मैं खुद भी ज़्यादा स्टॉप्स नहीं ले रहा था क्योंकि मैं नाइट में राइड कर रहा था, और नाइट में तो मैंने इसको रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक कंटिन्यूसली चलाया है, वॉशरूम स्टॉप्स भी नहीं लिए हैं रात में, तो क्योंकि रात में जो है मुझे हाईवे बहुत अनसेफ लगता है और मैं सोलो राइड कर रहा था, तो इसलिए मैंने कोई भी वॉशरूम स्टॉप्स नहीं लिए रात को, और वॉशरूम मुझे आई भी नहीं क्योंकि मैं रात को 12 बजे खा पी कर सब वॉशरूम करके फ्रेश होकर पूरा निकला था, और मैंने सोच के रखा था फुल नाइट राइड होगी, तो नाइट में मैंने फुल राइड करा। तो इंजन रिलायबिलिटी बहुत अच्छी रही गाड़ी की, वरना मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद किसी और गाड़ी से इतना ज़्यादा लंबा टूर करता, और मैंने उस दौरान मैंने 600 किलोमीटर पार कर लिए थे 6.5 घंटे में 600 किलोमीटर, तो अगर इसकी जगह कोई और मोटरसाइकिल होती तो इंजन जो है वो एक टाइम पर थोड़ा सा ना स्ट्रेस्ड हो जाता। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी रही कि इंजन में एक आवाज़ एक एबनॉर्मल नॉइज़ नहीं आई, इंजन ज़रा सा हीट नहीं हुआ हाईवे पर, ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ रही। गाड़ी ने मुझे हाईवे पर कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करा। तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको माइलेज अच्छा मिल जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये इंजन 150 cc है और 150 cc ही रहेगा, आप इसको 200 या 250 cc नहीं मान सकते, भले ही ये परफॉर्मेंस ज़्यादा आपको डिलीवर कर रहा है, लेकिन ये इंजन 150 cc का ही है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये इंजन आपको माइलेज अच्छा निकाल के देगा, ठीक है। तो सिटी में अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं कि जिसको मैं सिटी में चलाऊं तो यार मुझे 45-50 तक का माइलेज मिल जाए अच्छे से चलाने पे, और अगर थोड़ा मैं इसको ज़्यादा रेविंग करूं, हाई रेव करूं, रैश राइडिंग करूं, तो इसमें मुझे 40-45 तक का माइलेज मिल जाए, तो MT15 आपके लिए बहुत अच्छी है। और ये मोटरसाइकिल मेरी पसंदीदा मोटरसाइकिल इसलिए ही है क्योंकि इसमें माइलेज जो है 150 cc वाला मिलता है, और परफॉर्मेंस आप मान सकते हैं 150 cc से ज़्यादा मिल जाता है। तो आपको MT15 में ना एक ही चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो रहेगा पिलियन कम्फर्ट, क्योंकि पिलियन को आप बिठा ही नहीं सकते हैं इस पर, और पिलियन को बिठाते भी हैं तो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप इस पर नहीं बिठा पाएंगे। और हाँ, एक चीज़ की कमी इसमें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खली टूरिंग के टाइम पर, वो थी टर्न बाय टर्न नेविगेशन। हालांकि मैंने इतना ज़्यादा नेविगेट नहीं करा था, मुझे रास्ते पता थे और मैं मेन बाईपास पकड़ता हुआ ही गया था, तो बाईपास में माइलस्टोन्स लिखे रहते हैं, लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा पुणे में थोड़ा सा मैं जो है भटक गया था रास्ता पुणे से चाकन जाने के लिए, तो उस टाइम नाइट में ना मुझे कहीं पर भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था, और फ़ोन होल्डर मेरे पास था नहीं जिससे मैं नेविगेट कर पाऊँ, और फ़ोन होल्डर होता भी तो मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि बारिश हो रही थी उस टाइम। फुटपैक्स जो है वो बहुत रेयर सेट हैं क्योंकि कॉर्नरिंग के लिए मोटरसाइकिल बनी है, अगर कॉर्नरिंग करें तो ताकि फुटपैक्स रोड पर स्क्रैप ना करें, इसलिए कंपनी ने इसको जो है फुटपैक्स को हाइट देकर रखा है और थोड़ा सा रेयर सेट रखा है। तो रेयर सेट फुटपैक्स की वजह से आपको नी क्रैम्स हो सकते हैं, मेरे घुटनों में थोड़ा सा दर्द हो गया था, लेकिन मैं रास्ते में क्या करता था कि रास्ते में थोड़ी देर पैर ऐसे रख लेता था, तो ऐसे रखने से क्या मुझे थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।